गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं निधि जैन आपको हिंदी में क्लास 8 के लिए सर्वनाम चैप्टर पढ़ाऊंगी। इससे पहले हमने संज्ञा चैप्टर पढ़ा था। संज्ञा में आपने बच्चों पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के हमने भेद पढ़े थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आज हम सर्वनाम चैप्टर पढ़ेंगे। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब सब और नाम का मतलब संज्ञा। तो संज्ञा के यहाँ पर आपकी परिभाषा बनेगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह आदि। अब यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, इसको पढ़ के देखेंगे। शोभा की माँ शोभा को रोजाना सुबह 6 बजे जगाती है। उठकर शोभा योगा करती है। इसके बाद शोभा नाश्ता करके स्कूल चली जाती है। शोभा प्रतिदिन स्कूल जाती है। कक्षा में मीता शोभा के साथ बैठती है। स्कूल से आकर शोभा आराम करती है। फिर शोभा खेलने चली जाती है। पढ़ाई करने के बाद रात को 10 बजे शोभा को नींद आ जाती है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने शोभा शोभा शब्द को बार बार रिपीट किया। अब जब भाषा में एक ही शब्द को हम बार बार प्रयोग करते हैं तो भाषा की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसीलिए हमें भाषा को सुंदर दिखाने के लिए, उसकी सुंदरता को बनाने के लिए हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मैं अब करूँगी। शोभा की माँ उसे रोजाना सुबह 6 बजे जगाती है। उठकर वह योगा करती है। इसके बाद वह नाश्ता करके स्कूल चली जाती है। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। कक्षा में मीता उसके साथ बैठती है। स्कूल से आकर वह आराम करती है। फिर वह खेलने चली जाती है। पढ़ाई के बाद रात को 10 बजे उसे नींद आ जाती है। तो इन शब्दों का जो मैंने प्रयोग किया शोभा शब्द के स्थान पर, वो शब्द हमारे क्या हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के भी आगे 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। पुरुषवाचक को समझेंगे। इसका प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा अन्य, अन्य मतलब कोई भी थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है। तो पुरुषवाचक को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, उत्तम, मध्यम और अन्य। बच्चों जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सेम वही है। उत्तम पुरुष इट मीन्स फर्स्ट पर्सन, एंड सेकंड पर्सन इट मीन्स मध्यम पुरुष, एंड थर्ड पर्सन इज अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आएगा हमारा वक्ता, अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करे। वक्ता कौन? बोलने वाला। अब यहाँ पर मैं आपको ये पाठ पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना नाम ना बोलकर क्या बोलूँगी? मैं पढ़ा रही हूँ। तो नाम के शब्द के स्थान पर मैंने शब्द प्रयोग किया मैं, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष में आ जाएगा मैं, हम, मेरा, हमारा और हमें। नेक्स्ट आता है हमारा मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए जाता है। श्रोता मतलब सुनने वाला। अब आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो, तो यहाँ पर तुम, तुमने, आप, तुम लोग, ये सब क्या हुए? हमारे सेकंड पर्सन, इट मीन्स मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जो होते हैं वो होते हैं वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता, उसके संबंध में बात करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग हो उसे थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, कोई भी तीसरा व्यक्ति के बात के बारे में बात हो रही है, तो मैं कहूँगी कि वह अभी सो रहा है, वह बाज़ार गया। तो वह कोई भी थर्ड पर्सन, ना मैं ना तुम, कोई भी थर्ड व्यक्ति, थर्ड पर्सन, वो हमारा हुआ अन्य पुरुष। सेकंड आता है हमारा निश्चयवाचक, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे। जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो, पूरा कन्फर्म हो उसके बारे में हम बात करें, या इशारा संकेत करते हुए बात करें, तो वहाँ पर आता है हमारा निश्चयवाचक। जैसे सेंटेंस लिखा है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, जो पेन है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि यह है मेरा पेन है। यह है जब हमारा आ रहा है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकेंड आ रहा है हमारा अनिश्चयवाचक, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना कराए। अब निश्चयवाचक में क्या था? निश्चयपूर्वक संकेत करा, और यहाँ पर निश्चयपूर्वक नहीं है, यहाँ पर डाउट है। बाहर कोई खड़ा है, जब हमें पता है कि बाहर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, हमें ये कंफर्म नहीं है, अभी डाउट है कि कौन खड़ा है, तो वहाँ पर आएगा कोई को अंडरलाइन करके।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न का बोध कराए, जैसे कि यह फूलदान किसने तोड़ा। अब यहाँ पर भी हमें डाउट है, अनिश्चयवाचक में भी डाउट था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। अनिश्चयवाचक में एक आंसर आएगा, पूर्ण विराम लगेगा अंत में, और प्रश्नवाचक में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा। यह फूलदान किसने तोड़ा, पता नहीं हमें किसने तोड़ा, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध सूचित हो, तो वहाँ पर हमारा आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा और वैसा एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट आता है हमारा निजवाचक। निज का मतलब होता है अपना। जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो, कोई भी काम अपने लिए बात हो रही है जिस सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर लिखा है, यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है। स्वयं अपने लिए हो रही है बात कि यह चित्र किसने बनाया, मैंने बनाया, खुद बनाया, स्वयं बनाया, स्वयं किया, मैं अपना काम खुद करती हूँ, मैं अपने आप चली जाऊँगी। तो अपने आप, स्वयं या खुद शब्द का जहाँ प्रयोग हो, वहाँ आएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद इस पाठ के आधार पर ये बुक की बैक एक्सरसाइज दी गई है, ये आप स्वयं करने का प्रयास करें। ये भी आपका बुक का पेज है, ये भी आप स्वयं करने का प्रयास करें। इसके बाद आपको पीडीएफ के थ्रू आपको इसकी आंसर की और आपको अभ्यास कार्य दिया जाएगा। धन्यवाद।